नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आई बेल का जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चैनल भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को आप प्यार ज़्यादा दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 19% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कल की आप न्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पर नोट कीजिएगा, बस कानपुर के 52,000 छात्र ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, जिसमें 44,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है और उसमें से लगभग 8,000 छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी गई है और उनको कोई ना कोई स्टेटस में गलती बताकर उनका स्कॉलरशिप रोक दिया गया है और उन्होंने इस चीज़ की मांग की थी। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं एक वीडियो बनाया था मुलायम सिंह कॉलेज कानपुर का, आपको यहाँ पर ये कट दिख रहा है वीडियो का, और इसमें मैं साफ साफ एक्सप्लेन किया था कि यहाँ के DW ऑफिसर कैसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। फिलहाल उनको उनके पद से निलंबित कर दिया गया है, मैं जब वीडियो बनाया था। तो इस कॉलेज के भी लगभग 150 से 200 छात्र थे और भी कानपुर के डिग्री कॉलेज हैं जिनके लगभग 8,000 करीब टोटल छात्र हैं कानपुर के, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली कोई ना कोई गलत कारण बता दिया गया है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, 75 जिला है, 75 जिले में हर कास्ट के स्टूडेंट हैं जिनको यही कारण बता के उनके स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, चाहे वो SC हो, ST हो, मिनोरिटी हो, जनरल हो, OBC हो, किसी भी कास्ट को हो। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ के हर स्टूडेंट ने कोशिश किया है, कल्याण विभाग का चक्कर लगाया है, कॉलेज का चक्कर लगाया है और इनका जो बैंक था उनका भी अकाउंट बदल दिया गया दूसरे बैंक में मर्ज करके। तो ये मुलायम सिंह कॉलेज का था, ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जिनका भी मर्ज किया गया है, UP में 75 जिले हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ के कल्याण विभाग जो कानपुर का है, वहाँ के जो हेड हैं प्रज्ञा पांडे जी हैं, उन्होंने बताया कि फंड के कमी के कारण स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप उनका बयान देख सकते हैं और उन्होंने ये भी मेंशन किया इस बयान में कि हमने निदेशालय को संपर्क किया स्कॉलरशिप देने के लिए और जल्द से जल्द हो सके तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, आपको बताता हूं, डायरेक्ट आप अपने निदेशालय जाकर जो लखनऊ का जिस भी डिपार्टमेंट के हैं आप वहां पर अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए। मैं प्रोसेस भी पूरा बता चुका हूं, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाए या आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो खोज लीजिए, उस वीडियो में साफ साफ बताया हूँ आपको करना क्या है, उसके बाद से आपको निदेशालय जाना है। तो सारे प्रोसेस को मैं जब बताता हूँ सही से, तब भी आप विश्वास नहीं करते हो, आप लगे कि ब्लेम करते हो कि बस मैं फर्जी वीडियो बनाता हूँ। जिनको ये लगता है कि मैं फर्जी बनाता हूँ, वो मुझसे बस इतना बताए वो किस क्लास में पढ़ता है, उसकी स्कॉलरशिप के बिना पढ़ाई रुक जाएगी क्या? ये वही लोग हैं, या तो मुझसे हेट करते हैं या तो वो चाहते ही नहीं है कि स्टूडेंट की सपोर्ट किया जाए, वो स्टूडेंट के खिलाफ हमेशा रहेंगे, वो आपके सपोर्ट में कभी नहीं आएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो फालतू कमेंट आते हैं उस पर आप विश्वास मत कीजिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप लोग हमेशा मेरी बातों पर विश्वास कीजिए और आप लोग जाकर रिपोर्ट एक बार सबमिट कीजिए, इस साल नहीं तो अगले साल जरूर स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर सारे स्टूडेंट मिल के एक बार गुहार लगाते हैं, बहुत सारे मात्रा में वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, लाखों की संख्या में रिपोर्ट अगर होती है तो इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।